इंसानी हकूक की जब बात आती है तो मेरे जहन में यही आता है बुनियादी सहूलियात। वैसे तो इंसानी हकूक की जो डेफिनेशन है उसको किसी कूजे में बंद नहीं किया जा सकता, बहुत है हकूक तो। लेकिन अगर ओल्ड सिटीजन की तरफ जाएंगे तो अलग हकूक हैं, बच्चों के अलग हैं, लेकिन जब इंसान का लफ्ज आए तो उसकी बिल्कुल जो बुनियादी जरूरियात है ना, जो कि एज के साथ साथ और प्रोफेशन के साथ साथ बदलती हैं, तो वो जरूरियात पूरी होना इंसानी हकूक है। इसमें भी अगर आप देखें तो डिसेबिलिटी का रेशो जो है बुढ़ापे में सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इस वक्त जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसमें 43% डिसेबिलिटी है जो आपके 60+ बुजुर्ग अफराद की जिंदगी में आती है किसी में। इसको अगर हम साइंटिफिक उसूलों पर समझने की कोशिश करें तो ये एक मॉलिकुलर और सेलुलर चेंजेस होती हैं हमारे जो वक्त के साथ। जी, पाकिस्तान में जो एजिंग की सिचुएशन है, पाकिस्तान दुनिया के उन 15 ममालिक में आता है जिनकी 10 मिलियन के से ज़्यादा पॉपुलेशन एजिंग है। यहाँ पे पाकिस्तान में खुशी की ये बात है कि लेजिस्लेशन पे काम हो रहा है। पाकिस्तान के जो 2 प्रोविंस हैं, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, इनमें सीनियर सिटीज़न वेलफेयर एक्ट जो सिंध में 2014 में पास हुआ और इस तरह से 2014 में खैबर पख्तूनख्वा में भी एक पास हुआ, तो गवर्नमेंट जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। ऑल्दो इम्प्लीमेंटेशन स्लो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन है। और इसी तरह से फेडरल लेवल पे भी जो 2020 में कानून पास हुआ है सीनियर सिटीज़न का एक पास हुआ है, तो होपफुली गवर्नमेंट इस पर जो है काम कर रही है। लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, उनके सेहत के ज़्यादा मसाइल हैं, उनको कैसे टैकल करना है ये गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ में, हेल्दी एजिंग को अपने पॉलिसीज़ में लेके आना होगा। इसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट का साथ दे रही हैं कि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें कि उनके हकूक क्या हैं, ओल्डर पीपल के हकूक क्या हैं। एजिज़म को टैकल करने के लिए हमारे पास जो स्टीरियोटाइप्स हैं कि बुज़ुर्ग लोग जो हैं बर्डन हैं, हालांकि वो एक असासा हैं, वो उनके पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है, उनके पास एक्सपर्टीज़ हैं, उनको कैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में लाया जा सकता है, उनको कैसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग में शामिल किया जा सकता है, इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। जी, पाकिस्तान में जो है वो 10 मिलियन से ज़्यादा आबादी है, इसमें अगर आप प्रोविंशियल लेवल पर बात करें तो सिंध में भी 4.6 मिलियन पॉपुलेशन है, और बुज़ुर्गों की जो 60 साल से ज़्यादा हैं जिसकी उम्र है वो 4.6 मिलियन, जहाँ पे हम सिंध में काम कर रहे हैं यहाँ पे 4.6 मिलियन ओल्डर पीपल की पॉपुलेशन है जो 60 एंड 60 अबव है। लेकिन मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था, और जो सिंध असेंबली है उन्होंने ये कानून बनाया जिसमें जो सीनियर सिटीज़न है उनके राइट्स को तहफ़ दिया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि ये जो एक्ट है बनने के बाद उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। 2014 का ये कानून था, 16 में सिंध असेंबली ने पास किया, और इसके जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो भी 2021 में बने हैं। तो इसका मतलब ये है कि 5-6 साल के गैप के बाद जाके रूल्स बने। तो मैं समझती हूँ कि जो प्रोसेस है किसी भी सिंध असेंबली की, जो लेजिस्लेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही टाइम टेकिंग है। फिर कानून बनने के बाद जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रही है। हम भी जो है वो बार बार हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं पार्लियामेंटेरियंस उनको भी ये कहते हैं, और साथ साथ डिपार्टमेंट्स को भी कहते हैं कि जी आप इस सारे प्रोसेस को एक्सपीडाइट करें ताकि जो हुकूक आपने लोगों को दिए हैं किसी कानून के तहत तो वो लोग जो है उससे फ़ायदा भी उठा सकें। जैसे सिंध गवर्नमेंट ने देखें जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो इस कानून को इम्प्लीमेंट करवा रहा है उसने डिफरेंट इदारों के साथ बातचीत की है जिसमें ट्रांसपोर्ट है और उसके अलावा जो है इवन PIA वालों के साथ भी मीटिंग हुई है, हेल्थ डिपार्टमेंट वालों के साथ भी उन्होंने मीटिंग की है, नाजरा वालों के साथ मीटिंग हुई है। तो उनकी मीटिंग्स जो है वो चल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनका प्रोसेस तो उनका आहिस्ता है लेकिन उनके साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं। अब ये है कि ये कंक्लूड कब होंगी और जो आज़ादी कार्ड है वो कब इशू होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम मेरे ख्याल में लगेगा उनको। लेकिन ये कि आवाम की तरफ से ये बहुत बड़ी डिमांड है कि इसको जल्द अज जल्द इनिशिएट किया जाए। मुआशी तौर पे भी बहुत गरीब हैं और हम सियासी तौर पे भी और समाजी तौर पे भी बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। तो ऐसी सोसाइटी में जो है वो चेंज इतना जल्दी नहीं आ सकता कि 2 साल का प्रोजेक्ट करके आप सोसाइटी तब्दील कर दें और बड़ी प्रोग्रेसिव हम कौम बन जाएं, ऐसा नहीं होगा। ये एक स्लो प्रोसेस है और ये स्लो प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता चलता है
और फिर जो है वो एक चेंज लाता है, थोड़ा थोड़ा चेंज लाता है और वो चेंज जो है वो पायदार भी होता है। एक चेंज जो हम ऑटोमेटिक मशीनों से शायद लाएं वो इतना सस्टेनेबल नहीं होगा, लेकिन जो सोसाइटी इवॉल्व होके चेंज लाएगी वो पायदार भी होगा और वो सोसाइटी को इंडिविजुअल को इम्पेक्ट करेगा। अब हमारा ये जो 2 साल का प्रोजेक्ट है इसमें हमारी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं समझती हूँ वो ये है कि सिंध सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट जो है वो 2016 में पास हुआ था, लेकिन इसके ऊपर फर्दर जो है कोई काम नहीं हुआ था, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। हमारे इस प्रोजेक्ट के आने के बाद हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खासकर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हम इंगेज हुए, पार्लियामेंटेरियन से इंगेज हुए, उनको मोटिवेट किया कि जी ये अच्छा कानून बना हुआ इसके ऊपर आगे प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी नोटिफाई की, उसकी 10-15 मीटिंग्स हुई, उसमें डायलॉग हुआ और जो एक्ट बना हुआ उसके रूल्स ऑफ बिजनेस बने और वो सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफाई भी कर दिए, काबीना ने नोटिफाई कर दिए। एक चीज ये हुई है जो मैं समझती हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट की वजह से हुई, अगर ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं होता तो शायद और 3 साल लग जाते, लेकिन किसी को याद भी नहीं था कि ये कानून बना हुआ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी है। एक चीज ये हुई। दूसरी चीज ये हुई है कि सीनियर ये जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, एमओयू किया है नागरा के साथ। नागरा वाले जो है वो आजादी कार्ड जो है वो सीनियर सिटीजन को देने वाले हैं। उसकी जो अब तक की जो प्रोग्रेस है वो ये है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मेरे ख्याल में एक जो एडवांस पेमेंट है वो भी उनको कर दी है और इस सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट के अंदर एक काउंसिल बनी हुई है। वो काउंसिल बेसिकली हर 2 महीने के बाद मिलेगी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मतलब इस कानून में के बनने के बाद उनकी सिर्फ 1 मीटिंग हुई थी 2019 में, लेकिन हमारी एफर्ट से उनकी 6 मीटिंग्स अब तक चीजें हैं जो हमारी एफर्ट से आई है। कानून बनता है, सिंध असेंबली बनाती है, तो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की मैं समझती हूँ ये जिम्मेदारी है कि वो एटलीस्ट उस कानून की कॉपी बना के उसकी ट्रांसलेशन करवा के सारे डिपार्टमेंट्स को भेज दे कि भाई ये नया कानून आया है और ये कानून ये कहता है, लेकिन इस तरह नहीं है। हमने जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उशर एंड ज़कात डिपार्टमेंट के साथ जब हम बैठे तो उनमें से बहुत सारे साथियों ने हमें कहा कि अच्छा हमें तो पता ही नहीं ये कानून बना है। तो ये देखिए चैलेंजेस हैं, लेकिन हम इन सारे डिपार्टमेंट के साथ मिले, इनको हमने बताया और हेल्थ डिपार्टमेंट वालों ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या उनकी फंडेड हॉस्पिटल्स जितने भी हैं या पार्शली फंडेड हॉस्पिटल्स हैं उनमें उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है कि जी कुछ बेड जो हैं वो सीनियर सिटीजन के लिए मुख्तस होंगे कि जब भी कोई बीमार गुजर जाएगा तो उसको बेड मिलेगा। एक चीज ये, दूसरी ये कि जो क्यूज हैं वो बुजुर्गों के लिए सेपरेट क्यूज लाइन लगेंगी ताकि उसको जल्दी ज्यादा जो है टाइमली अटेंड किया जाए। वो बुजुर्ग हैं वो इतनी देर तक खड़े नहीं रह सकते, या फिर जो मेडिसिन का है उनका टाइम था वो 3 दिन की मेडिसिन देते हैं, लेकिन अब उनकी जो मेडिसिन का टाइम चेंज करके उन्होंने 5 दिन की या 7 दिन की मेडिसिन कर दी है। तो ये वो चीजें हैं जो हमारी एफर्ट से और डिपार्टमेंट्स को सेंसिटाइज करने के बाद हुई हैं और मैं समझती हूँ कि ये हमारी एनजीओ की एफर्ट है उस वजह से हुआ है। लेकिन जब आप मीडिया के लोग इसके ऊपर बात करेंगे ना, आप जब कोई स्टोरी करेंगे, जब कोई केस उठाएंगे या आप में से कुछ लोग जो है वो सीनियर सिटीजन के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट बन जाए, एक्सपर्ट जो है रिपोर्टिंग करने वाले लोग बन जाए ताकि इस इशू के ऊपर प्रोजेक्ट हो ना हो, लेकिन आप जैसे लोग तो काम कर रहे हैं ना फील्डों में तो आप उसको उठा दे रहे हैं इस आवाज को ताकि आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन गवर्नमेंट